हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। फ्रेंड्स, प्रीवियस के कुछ लेसन्स में हम लोगों ने बात किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पर। इस लेसन में गाइस हम लोग एक न्यू फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नेम क्या है, ईथर। तो ठीक है गाइस, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो यहाँ पे गाइस जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो हम करेंगे, उसके लिए जो सबसे पहला मेथड जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो गाइस सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ईथर फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, इस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एक मैं दो रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। दोनों रिएक्शन में थोड़ा कंपेरिजन करना बहुत जरूरी है, तब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम लोग ए में फर्स्ट में हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH। और गाइस फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और टेम्परेचर कितना रखते हैं, 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग एक्सेस में लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गाइस जब हम लोग इसको एक्सेस में लेंगे तो फिर हमारे सामने किस चीज का फॉर्मेशन होगा, हमारे सामने जो है एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन का। और साथ ही साथ गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें वाटर देखने को मिलेगा H2O, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। अब गाइस मैं एक और रिएक्शन अभी लिखने जा रहा हूं, उस रिएक्शन को भी आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या इथेनॉल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग फर्दर जो है यही कैटलिस्ट रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर भी यही रहेगा 433 से 443 केल्विन के बीच में। लेकिन फर्स्ट वाले केस हम लोगों ने देखा क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो अमाउंट था वो एक्सेसिव था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग इसका अमाउंट जो है वो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब गाइस यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, अब हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2O CH2CH3। इसका नेम क्या हो जाएगा गाइस, इसका नेम हो जाएगा डाइइथाइल ईथर। तो गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो क्या गाइस कि सेम ही मैंने लिया, बस एक अंतर क्या किया, ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, यहाँ पे भी अल्कोहल लिया, यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम टेम्परेचर रखा, यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम टेम्परेचर रखा, यहाँ पे भी हम लोगों ने रिएजेंट के तौर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ पे भी लिया। लेकिन गाइस क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, हमें क्या मिला, हमें एल्कीन मिल गया और यहाँ हमें मिल गया ईथर मिल गया, ठीक है। दोनों का जो प्रोडक्ट का जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिया, ऐसा क्यों हुआ गाइज। तो एक चीज हमें देखना बहुत जरूरी है, वो क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड को जो है हम लोगों ने एक्सेस में लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो एल्कोहल था इसको हम लोगों ने एक्सेस में लिया। तो गाइज आप लोग ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर गाइज हम लोग सेम रिएक्शन इसी तरह का हमें देखने को मिलेगा, अगर हम लोग ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में लेंगे, तब हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा एल्किन ग्रुप का मिलेगा, अगर हम लोग गाइज इस एल्कोहल को एक्सेस में लेंगे तब हमें क्या ईथर देखने को मिलेगा। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ गाइज, इसके फर्स्ट वाले में जो इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, एलिमिनेशन, ठीक है। और सेकेंड वाले में क्या हुआ गाइस, सेकेंड वाले में जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां तक क्लियर होगा आपको गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलिए गाइस, अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग ये जो सेकेंड पार्ट जो लेंगे ये वाला यूज हम लोग करेंगे। यहां तक क्लियर, अब चलिए गाइस अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। अब बेसिकली ये दोनों रिएक्शन तो बेसिकली समझाने के लिए था, लेकिन अब बात तो होगी सिर्फ और सिर्फ सेकंड रिएक्शन पे, क्योंकि इसी यही मेथड से हम लोग को किस चीज का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, ईथर का। तो इसीलिए हम लोग गाइस यही रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब गाइस हम लोग इसके मैकेनिज्म में क्या करते हैं,
मैकेनिज्म में सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म, लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में गाइस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप लेंगे वो क्या लेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या करेंगे गाइस, एल्कोहल का प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हम लोग गाइस कर देंगे प्रोटोनेशन। अब गाइस प्रोटोनेशन का सिंपली मीनिंग क्या है पता है, कुछ नहीं करना, H प्लस जो होता है हाइड्रोजन का है उसको हम लोग इस एल्कोहल में ऐड कर देंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे तब वो एल्कोहल क्या हो जाएगा, वो एल्कोहल हो जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो चलिए गाइस फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इथेनॉल ही CH3CH2OH, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसका हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका रिएक्शन गाइस हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, H प्लस के साथ, ठीक है H प्लस के साथ करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या करेगा ये, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के बाद फर्दर रिएक्शन क्या होगा, फर्दर रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा हमें देखने को मिलेगा CH2 हो जाएगा, O हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी एक H आ जाएगा, और गाइस इसका एक लोन पेयर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो गाइस इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या हो जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहां तक क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट, ओके आई होप गाइस किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अब चलिए इसको मैं फिर से रब कर रहा हूं, अब हम लोग सेकेंड स्टेप पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज को लिखते जाइए, समझते जाइए अच्छे से। ये हो गया। अब गाइस सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में जो होगा सेकेंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय कौन सा हो जाएगा गाइस, किसके द्वारा अटैक होगा, जो क्या है गाइस प्रोटोनेटेड नहीं है, ठीक है प्रोटोनेटेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसका नेम क्या हो जाएगा, अनप्रोटोनेटेड। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन, किस पर अटैक करेगा, ऑन प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो बहुत सिंपल है गाइस नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म, फिर वही चीज को हम लोग को फंडा अपनाना है। क्या मैं बार बार आपको क्या कहता हूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी पढ़िए, जब भी हमारे पास स्पीशीज आए ऑर्गेनिक स्पीशीज, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर रहा है और कौन सा स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क कर रहा है। तो अब गाइस अभी यहां पे क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल को लिख लेते हैं जो भी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के थ्रू यहाँ पे बनाया था। तो ये हमारा हो जाएगा गाइस क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है यहां तक क्लियर। अब गाइस इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन गाइस हम लोग कराएंगे अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ। तो यहां पे क्या करते हैं गाइस, यहां पे जैसा कि हम लोग जान रहे दो लोन पे रहेगा ऑक्सीजन पे, तो यहां तक क्लियर होगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो क्या आता है कि जो मैं बार बार ये भी चीज मैं बार बार बताता हूं, अगर जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे कि सर बार बार इस चीज को बोलते हैं, जब भी रिएक्शन के दौरान हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर प्लस चार्ज रहेगा तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी बनता है रिएक्शन में कि उस पर से प्लस चार्ज को हटाना। तो ये क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट है, इस पर प्लस चार्ज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम से आउट करेंगे। अब गाइस मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि ये डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है किसका होता है, डिहाइड्रेशन एल्कोहल का होता है। डिहाइड्रेशन टर्म और हाइड्रेशन टर्म का भी मैं आपको प्रीवियस के लेसन में मैं क्लियर करा चुका हूं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो गया कि जनरली हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में भी वर्ड यूज करते हैं, अरे भाई डिहाइड्रेशन हो गया, इट मीन्स जिस व्यक्ति को भी डिहाइड्रेशन हुआ उसके शरीर में पानी की कमी हो गई, इट मीन्स वाटर जो है उसके शरीर से निकल गया, रिमूवल ऑफ H2O। यहां पे भी क्या हो गया गाइस, सिस्टम से H2O निकल गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये कौन से मेथड से हम लोग इथर का प्रिपरेशन करते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर इथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन यहां से ये निकलेगा और गाइस ये जो है ये इस पे सीधा अटैक कर देगा। यहां तक क्लियर, यहां तक आई होप गाइस किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा।
अब चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस चीज का फॉर्मेशन होगा। देखिए गाइस ये जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया। ठीक है, ये काफी स्लो स्टेप होगा, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक साथ हो रहा है वन ही स्टेप में। ये स्लो होने के कारण यही क्या हो जाएगा गाइस, RDS। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि रिएक्शन में कोई भी स्लो स्टेप होता है उसी से हम लोग उस पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं। तो RDS का बेसिकली फुल फॉर्म ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यही क्या हो गया, RDS स्टेप हो गया। यहां तक गाइस क्लियर होगा, किसी को भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया, CH3 था, यहां पे क्या हो गया गाइस, CH2 हो गया। ठीक है, अब गाइस देखिए जैसे यहां पे CH3 CH2 हो गया, ठीक है, यहां O हो गया, यहां पे क्या हो गया H हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा CH2 CH3 ये हो गया, और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर एक, इस पे क्या हो गया गाइस प्लस चार्ज आ गया। तो यहां तक कोई भी स्टूडेंट को आई होप गाइस दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा था और ये वर्क किस तरह से कर रहा था न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां तक भी क्लियर होगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोटोनेटेड। अब क्या हो गया ये भी तो प्रोटोनेटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा इथॉक्सी प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, इसका नेम हो जाएगा प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। यहां तक क्लियर होगा गाइस, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे गाइस, दो स्टेप तक क्लियर होगा, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे गाइस, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है, कुछ खास नहीं करना है। हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, सिंपली हम लोग कर देंगे लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो है ये हमारे सिस्टम से क्या हो जाएगा, ये लॉस कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए गाइस अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए बहुत आसान है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टेप 3C में कर लेते हैं, स्टेप 3rd में लॉस ऑफ प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, CH3 CH2 ये हो गया O, CH2 CH3 यहां पे क्या है गाइस, H है। यहां पे फिर वही बात आएगी कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ये अपने पे ज्यादा देर तक प्लस चार्ज रख नहीं सकता। ठीक है, इसका फर्दर हम लोग रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, तो ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है गाइस, हम लोग के पास है क्या, इथेनॉल CH3 CH2OH। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्टिंग कर जाएगा, तो ऑक्सीजन पर से प्लस चार्ज हट जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगा। जैसे ही करेगा तो क्या हो जाएगा गाइस, ये भी स्टेप निकाल देता हूं ताकि आपको हम बिल्कुल क्लियर देखे, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल वे में। अब गाइस फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग कर लेंगे CH3 CH2O, और ये फिर क्या हो जाएगा CH2 CH3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे हमें मिल जाएगा क्या, CH3 CH2O और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लेकिन इसका नेम क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इथॉक्सी इथेन, ये क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो गाइस बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या कि तीन मेथड्स में हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन किया, और एक चीज हमें नोटिस क्या करना था कि जो फर्स्ट स्टेप याद की, जब जो फर्स्ट में जो मैंने बताया था बिल्कुल इस वीडियो के इनिशियल में कि हमें इथेनॉल जो है एक्सेस में लेना है, तो यहां पे गाइस इथेनॉल एक्सेस में लेने के कारण क्या हुआ कि बार बार हम लोग एक एक्स्ट्रा इथेनॉल यूज कर पा रहे हैं स्टेप में, और फर्स्ट वाले में जिसमें क्या हुआ था एल्किन ग्रुप मिला था उसमें हम लोगों ने इथेनॉल को एक्सेस नहीं लिया, इथेनॉल को गाइस जब हम लोग एक्सेस लेंगे नहीं तो बार बार हम इथेनॉल का यूज नहीं कर सके, इसीलिए वहां क्या हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्किन प्रोडक्ट दिया, और यहां गाइस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर हमें क्या मिल गया, इथर मिल गया। आई होप गाइस ये जो इंटरेस्टिंग सा वीडियो था जो जिसे मैंने बात किया बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो आप बेझिझक अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे।